को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मुझे बताइए आप सब लोगों में से स्ट्रीट डांसिंग किसको पसंद है? कम ऑन एवरीबॉडी, एग्जैक्टली। मैं इसको वही समझा रहा हूं कि स्टेज पर आने से पहले स्ट्रीट पे नाचना पड़ता है, स्ट्रीट पे सीखोगे तभी तो स्टेज पे आओगे। रित्विक प्लीज प्लीज, स्टेज डांसिंग में सालों की मेहनत लगती है, दिन रात की ट्रेनिंग, प्रिसिशन, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा तो तुम्हें लगता है स्ट्रीट डांसिंग में मेहनत नहीं लगती? ऑफ कोर्स लगती है। इन सबसे पूछो, सालों से उन्होंने अपने घुटने घिस दिए गणपति विसर्जन में, पूछो इन सबसे किया है कि नहीं किया आप लोगों ने। होता है ना, मुश्किल है ना स्ट्रीट, है ना भाई? आप तो तुम नहीं मानोगे ना, बेसिकली तुम नहीं मानोगे ना। देखिए इसको जवाब चाहिए, आप सबको जवाब चाहिए, मुझे भी जवाब चाहिए, और जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है दुनिया के सबसे बड़े डांस रियलिटी शो पे, जिसका नाम है सो यू थिंक यू कैन डांस एवरीबॉडी। 35 देशों के बाद, हाँ हाँ, थोड़ा सा रह गया, सॉरी कोई बात नहीं, हमारी भी गलती होती है, हंसी मत, उनकी लाइनें रह गई, बोलिए मैडम। 35 देशों के बाद है, 35 देशों के बाद अब है हिंदुस्तान की बारी, राइट। और हम आपके होस्ट हैं, मैं हूँ मोनी रॉय, और मैं हूँ ऋत्विक धनजानी, थैंक यू वेरी मच। पता है ऋत्विक, मुझे ना इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, दुनिया भर में डांसिंग का रेवोल्यूशन फैलाने के बाद अब फाइनली सो यू थिंक यू कैन डांस इंडिया की सैर करेगा। वेल आई थिंक सिर्फ तुम्हें या मुझे नहीं, आई थिंक यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान को इस दिन का इंतजार था, लेकिन आप सबको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि हम आ रहे हैं 24th ऑफ अप्रैल को, उससे पहले नहीं आ सकते जी। ओह माय गॉड, आई कांट वेट। नहीं देखे ना,
रिसेप्शन शुरू है, आप फोटोज भी खींच सकते हैं और हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं. यस, दिस इज ओपन टू मीडिया क्वेरीज. एवरीबॉडी एनी क्वेश्चंस प्लीज. कॉम्पैक्ट चाहिए, एक मिनट. थोड़ा जबल, इतनी जबल पाहिजे. हाय, दिस इज सोहेल ऑन योर लेफ्ट. माधुरी जी, माय क्वेश्चन इज टू माधुरी जी, आपके राइट में, सॉरी राइट दिस साइड. माधुरी जी, दी इट इज लाइक वी सीइंग मोस्ट ऑफ यू ऑन द टेलीविजन एक्चुअली, तो क्या अभी फिल्मों में, व्हाट आर योर प्लान्स एंड किस तरह की स्क्रिप्ट आर यू लुकिंग आउट फॉर? वेल, राइट नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सो यू थिंक यू कैन डांस, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा शो है. वी आर हैविंग सम वेरी वेरी गुड कंटेस्टेंट्स ऑन दिस शो. जहां मूवीज की बात है, एक्टिंग इज माय फर्स्ट लव, डांस इज माय पैशन. तो एक्टिंग ऑफ कोर्स आई विल बी डूइंग एट सम पॉइंट, बट एज सून एज आई फाइंड समथिंग दैट आई लाइक, तो जरूर करूंगी मैं. हाय माधुरी जी, इधर क्या, लेफ्ट राइट पता नहीं है, लाइट हमारे फेस पे है. राइट में माधुरी, ये जानना चाहेंगे या तीनों जजों से ये जानना चाहूंगी कि आप लोग किस तरह का डांस पसंद करते हो, स्ट्रेट या स्टेज? वेल, मुझ में स्टेज है क्योंकि मैं कथक सीखी हूं, तो ऑफकोर्स दैट्स अ स्टेज थिंग. लेकिन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रीट इन मी ऑल्सो, क्योंकि जब आप बॉलीवुड डांसिंग करते हैं तो इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल स्टाइल्स. जैसे बॉस्को ने इतने सारे गाने किए, एक भी मेरे साथ नहीं किया अभी तक, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन. तो यू नो, आई फील यू मैन, दैट्स व्हाट आई से नाउ. और दोनों जजेस बताएं. यार, मैं डांस पसंद करता हूँ, वो कोई भी स्टाइल में हो. शुड कम फ्रॉम द हार्ट. वेल, मेरी शुरुआत जो हुई स्ट्रीट से हुई, क्योंकि उस जमाने में कोई सिखाने वाला था नहीं. बट आगे जाके मैंने स्टेज स्टाइल्स सीखे, सो आई वुड से आई कनेक्ट विद स्टेज स्टाइल्स. लेकिन स्ट्रीट स्टाइल जो है वो मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट लोकल फ्लेवर्स. वैसे थीम कैसे आया दिमाग में? और